असला आज की वीडियो में आप देखेंगे एकदम ऑथेंटिक फलाफिल साथ ही होगी सॉस और उसके अलावा क्रिस्पी आलू की टिक्की बहुत ही मज़ा आएगा आइए देखें यहाँ मैंने ले लिया है एक प्याली के करीब चने और उसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था ये देखिए इस तरीके के एक प्याली भर के मैंने लिए थे और इसको भिगोते वक्त मैंने कोई भी सोडा ऐड नहीं किया था और इसको वैसे ही भिगोया था अब सुबह हो गई है और ये अच्छे से फूल गए हैं तो इसको सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इसका वो ये है कि इसको छानना और फिर उसको सुखाना बहुत ज्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको हम उबाल के नहीं बनाते हैं कच्चे चनों से बनाते हैं इसलिए इसका सुखाया जाना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है यानी कि आप इसको छानने के बाद दो से तीन घंटे के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें या फिर किसी कपड़े से अच्छे से पोंछ लें क्योंकि अगर ये गीले होंगे तो आपके फलाफिल टूट जाएंगे ठीक है तो बाकी का काम तो बहुत स्पीड में हो जाएगा क्योंकि इसको पकाना तो हमें है ही नहीं और उसके बाद जो मसाले इसके अंदर जाएंगे उसमें है एक टी ज़ीरा पाउडर एक टी है नमक एक टी है काली मिर्चों का पाउडर एक टी है धनिया पाउडर आधी टी स्पून ली है मैंने लाल मिर्चों का पाउडर और दो टेबल स्पून है मैदा और एक चुटकी जो है वो सोडा है बेकिंग पाउडर नहीं है सोडा है एक चुटकी आपको लेना ही है और एक बंच पूरा मैंने लिया है पार्सली का फ्रेश आप, आपके पास नहीं है और हरा धनिया है तो भी कोई मसला नहीं है इस रेसिपी में आप हरा धनिया भी यूज कर सकते हैं एक प्याज ली है और एक पूरा बंच लहसन का जाएगा दो टेबल स्पून के करीब हम लेमन जूस लेंगे इसके साथ सर्व करने के लिए जो ताहिनी सॉस बनेगी उसके लिए मैंने ली है ये ताहिनी पेस्ट जो इस तरीके की बॉटल्स में मिल जाती है तकरीबन पाँच टेबल स्पून और यहाँ पे एक जवा मैंने लिया है लहसुन का उसको मैंने बिल्कुल फ़्रेश क्रश किया है जब आप फ्रेश लेते हैं तो एक तो कम डालना पड़ता है और दूसरा इसका टेस्ट भी अच्छा आता है थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर नमक और मैंने यहाँ पे हिमालयन सॉल्ट लिया है जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि यही यूज़ किया करें इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं दो टेबल स्पून मैंने डाला है यहाँ पे ऑलिव ऑयल और दो ही टेबल स्पून मैंने डाला है लेमन जूस अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जब हम आप देखेंगे कि मिक्स करेंगे तो ये वापस से गाढ़ा हो जाएगा और इसको पतला करने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी नीम गर्म पानी और आप ये भी देखेंगे कि जैसे ही हम पानी डालेंगे तो ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि आप थोड़ा और पानी डालेंगे तो ये वापस से पतला हो जाएगा जब इस तरीके से हो तो समझ जाइए कि आपकी सॉस तैयार है अभी आपने देखा मैंने जो पानी डाला है तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई है अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी ताकि ये पतली हो जाए और बस ये तैयार है यहां पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च चेक कर सकते हैं मिर्च तो खैर इसके अंदर नहीं होती है और बस इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन एक दो घंटे के लिए ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बाद में ये वापस से थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी इसको मैं ढक के रखती हूं एक आध दो घंटे के लिए फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए और जो चने थे वो अच्छे से सूख गए हैं मैंने इसको फ्रूट प्रोसेसर में डाल दिया है अब साथ ही सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे जितनी भी चीजें थी लहसुन प्याज और पार्सली सब मैंने बारीक काट के रखा था हालांकि ये फूड प्रोसेसर में जाएगा मगर फिर भी आप पहले से बारीक काट ले तो ये पीसने में आसानी ही देगा लेमन जूस भी डाल दिया और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पल्स पे चलाते हुए अच्छे से पीस लेंगे इसको बिल्कुल अच्छे से पिसा हुआ होना चाहिए पेस्ट फॉर्म में ये नहीं आएगा ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्क्रैप करते जाएं और फिर इसको पीसते जाएं ताकि हर तरफ से इवनली पिस जाए ये बिल्कुल सही से पिसा हुआ होना जरूरी है जब आप इस तरीके से देखेंगे हाथ में लेके कि ये बॉल की फॉर्म में आ गया है तो बस ये तैयार है अब इससे ज्यादा पीसने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में ये नहीं आएगा अब इसको मैं ढक के और एक दो घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देती हूं और बाद में हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे ठीक है और जो हमारी सॉस थी वो रेस्ट हो के आ गई है इसको मैं ऊपर से सुमाक और फ्रेश पार्सली से डेकोरेट कर देती हूँ ताकि ये खूबसूरत नजर आए और बस इसको हम साइड पे रखेंगे पहले हम अपने फलाफिल कंप्लीट करते हैं और उसके ये देखिए अब इसको हो गए हैं तकरीबन दो तीन घंटे फ्रिज के अंदर तो ये अच्छे से, से सेट हो गया है जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले इस तरीके से हाथों को थोड़ा गीला कर लेंगे एक टेबल स्पून लेंगे और इस तरीके से आप एक पोर्शन ले लेंगे बहुत छोटे छोटे हमें बनाने हैं लेकिन वैसे आपकी अपनी मर्जी है बड़े भी बना सकते हैं और बस आसानी के साथ ये इस तरीके से बन जाएंगे, अगर आप हाथ पे पानी लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे तो थोड़ा चिपकेगा ठीक है तो पानी लगाएंगे और बस ये इस तरीके से आपके सारे बॉल्स बना के रख लें और उसके बाद हम इसकी डीप फ्राइंग करेंगे ठीक है ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे ये बना के रख लिए हैं और अगर कोई डीप फ्राई नहीं खाना चाहता है तो उसके लिए मैंने इस तरीके से भी बनाए हैं तो हम पैन फ्राई यानी कि थोड़े से तेल में भी हम इसको फ्राई कर सकते हैं और ये बिल्कुल उतने ही मज़े की बनेगी सिर्फ ये ट्रेडिशनल वे है और ये जो है उन लोगों के लिए है जो डीप फ्राई नहीं खाना चाहते तो मैं दोनों तरीके से आपको अभी बताऊँगी ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और ये आपका तेल जो है वो बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे जो चने हैं वो बिल्कुल ही कच्चे हैं ठीक है तो मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे और इसको फ्राई करने में आपको तकरीबन पाँच मिनट ज़रूर लगने चाहिए तो आप उस हिसाब से अपनी हीट को एडजस्ट करें कि इसको तलने में आपको पूरी पाँच मिनट का टाइम लगना ही चाहिए और पाँच मिनट में ही ये कम्प्लीटली फ्राई हो जाएंगे ठीक है तो जिस तरीके से हम गुलाब जामुन को तलते हैं इस तरीके से हम इसको तलेंगे और बस उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको अब देखें इसको तलते हुए तकरीबन दो मिनट हो गए हैं शुरू की दो मिनट जो है वो आप इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे वरना ये टूटने लग सकते हैं तो अब दो मिनट के बाद ये जब थोड़े से सेटल डाउन हो गए हैं तो फिर अब इसको हल्के हल्के इस तरीके से हम घुमा लेंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह से करेंगे थोड़ा दो मिनट उसके बाद इस तरह अलट पलट करते हुए हर तरफ से इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे और उसके बाद डिश आउट कर लेंगे ठीक है और अब आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं इसको फ्राई करने में मुझे छः मिनट का टाइम लगा है हो सकता है आपके पास छः सात मिनट भी लग जाए तो कोई बात नहीं लेकिन पाँच मिनट से कम का टाइम जो है वो नहीं लगना चाहिए वरना चने जो है वो कच्चे रह जाएंगे ठीक है अब इसको मैं जो है डायरेक्ट प्लेट में निकालूंगी आप जब राइट टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को तलते हैं तो फिर आपको टिश्यू पेपर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है ये बात मैं हमेशा ही बताती हूँ अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका था उसके लिए मैंने यहाँ पैन के अंदर आप देख सकते हैं थोड़ी दो टेबल स्पून के करीब मैंने तेल डाला है और उसके अंदर अब हम डाल देंगे ये अपनी जो फिलाफिल कबाब की शक्ल में बनाई है उसको और उसी तरीके से दो तीन मिनट एक तरफ से फ्राई करके फिर पलट देंगे और दूसरी तरफ भी दो तीन मिनट फ्राई करेंगे और इसको भी निकाल लेंगे ठीक है यहाँ हमारे दोनों तरह के फलाफल बन के तैयार है ये आप देख सकते हैं जो मैंने पैन में फ्राई किया वो भी कितने क्रिस्पी है इसकी आवाज़ सुन सकते हैं देखिए आपने और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल कोई भी ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा जो बिल्कुल डीप फ्राई है वो भी बिल्कुल ही सूखे नजर आएंगे और इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ चलिए अब हम बनाते हैं आलू की टिक्की बहुत ही मज़ेदार यहाँ मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू और उसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद तीन घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था आलूओं को फ्रिज में रखेंगे तो आपकी टिक्की जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और इसका जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाएगा ठीक है तो इसको ठंडा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद मैं इसको मैश कर दूँगी इसके अलावा जो मसाले चाहिए वो है आधी टी स्पून काला नमक आधी टी स्पून है नॉर्मल वाला नमक डेढ़ टी स्पून है कुटी हुई लाल मिर्चें और एक टेबल स्पून है लेमन जूस और चार टेबल स्पून है राइस फ्लावर अगर आपको नहीं मिलता है चावल का आटा तो फिर आप कॉर्नफ्लावर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इससे जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है इसलिए ठीक है अब ये देखिए आलू जो है वो मैश हो गए हैं और सारे ही मसाले मैंने इसके अंदर एक साथ डाल दिए लेमन जूस भी डाल दिया और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया थोड़ा सा आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका फ़्लेवर पसंद हो तो और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो फिर जब आप टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले जो है वो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें या पानी लगा लें ताकि ये आपके हाथों को चिपके नहीं और जितने बड़े साइज की आपको बनानी हो उतनी आप बना लें मैंने जो साइज़ लिया था और जितनी क्वांटिटी ली थी उतनी क्वांटिटी में मैंने 11 टिक्की बनाई है और जब ये बन जाएगी तो फिर इसके इसको जो है वो आप 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे और दोबारा से सेट होने देंगे जब ये दोबारा ठंडी हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है वो फ्राइंग का काम स्टार्ट करेंगे ये देखिए अब थर्टी मिनट्स हो चुके हैं और अब फ्राइंग करते हैं जब फ्राई करेंगे तो फिर ये तेल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और ये अच्छा खासा जब गरम होगा तब उसके बाद आप डालिएगा ठंडे तेल में अगर आप डाल देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा दो तीन मिनट इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है और उसके बाद फिर हम इसको फ्लिप करेंगे ये देखिए तीन मिनट हो गई थी तो फिर उसके बाद मैं इसको आप पलट रही हूँ और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से तीन मिनट तक हम इसको पकने देंगे और जब दोनों तरफ अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो फिर डिश आउट करेंगे ये देखिए बिल्कुल तीन मिनट हुए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी सी हो गई है अब आप इसको जो है वो प्लेट में निकाल लीजिए और आपको किसी भी टिश्यू पेपर पे रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब आप फ्राई करेंगे तो तेल ज़्यादा लेना है अगर आपने तेल ज़्यादा ना लिया तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेगी लेकिन जब ये तल जाएगी तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी ये मेरा वादा है और इसको बस हम आप डिश आउट करेंगे और फिर फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ये देखिए इसको जो है वो मैंने इमली की चटनी के साथ में सर्व किया है जो मैं पिछले ही दिनों बनाना सिखा चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ज़रूर बनाइए और अपनी दुआओं में याद रखिए अपना फीडबैक शेयर कीजिए अनटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़ बाय